एबीपी ओपिनियन पोल में 74 सीट, 80 में से 74 सीट भाजपा को जा रही है, एनडीए को जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में चुनाव होगा। आप बताइए, जो वोट प्रतिशत है वो 51% है, सीट 74 है एनडीए को, ये कितनी बड़ी बढ़त मानते हैं? लोकसभा के चुनाव में हमारी जिस प्रकार की तैयारी है और लोगों का विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति है, मोदी जी के प्रति है, और हमारी सरकार ने 10 वर्षों में जो काम मोदी जी के नेतृत्व में किए हैं, उसके आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जैसे जैसे चुनाव आएंगे हमारी संख्या भी बढ़ेगी और हमारा वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार का वातावरण है, जिस प्रकार का एक माहौल उत्तर प्रदेश में दिखता है, और हमारी पार्टी, हमारा संगठन लगातार अपने कार्यक्रम और अभियानों के माध्यम से हम लगातार जनता के बीच में, आपने देखा होगा अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जिस प्रकार से हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से लगता है कि आज पूरा प्रदेश मोदी में है, राम में है, और सरकार के जो कामकाज है, सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है, 10 वर्षों का जो लेखा जोखा है, उससे पूरे देश की जनता, पूरे प्रदेश की जनता प्रसन्न है और सबने मन बना रखा कि मोदी जी को एक बार प्रधानमंत्री देश का बनाना। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, हर आंकड़े हैं आपके पास, सर्वे है, कैंडिडेट है, तो जो 51% हम वोट दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी एनडीए को, तो आप कितना फीसदी मान रहे हैं? नहीं, आपने जिस प्रकार से लोगों से बातचीत करके अपना एक असेसमेंट रखा है, लेकिन हमारा भी अपना असेसमेंट है, हमारे सब जगह कार्यकर्ता हैं, बूथों पर हमारी टीम है, और हम लोग भी अपने कैडर के कार्यकर्ताओं के माध्यम से लगातार संपर्क में हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी के प्रति जो लोगों का विश्वास है, आप मानिए निश्चित रूप से अप्रत्याशित परिणाम, जैसा हम आप नहीं सोचते, ऐसे परिणाम लोकसभा चुनाव में आने वाले हैं। आप 51 से भी आगे बढ़ा रहे हैं? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हम 60% से भी ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और सीट जो 74 दे रहे हैं वो? सीट में तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बार बार अपना संकल्प व्यक्त किया है, और हमारी भी जो पूरी तैयारी है, हमारी प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी के नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं, हमारी जो योजनाएं हैं, और सबसे बड़ा जो विषय है उसमें किसी बगैर किसी भेदभाव के जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की लाभार्थी पलक योजनाएं हैं, उसमें कोई भेदभाव, पुरानी सरकारें जिस प्रकार से वोट बैंक के नाम पर भारत अपना समर्थक है उनकी पार्टी का, उस सरकार की योजना का लाभ मिलेगा। मतलब आप कोई लड़ाई नहीं मानते, आप मानते हैं कि 80 का 80 भाजपा एनडीए। मैं निश्चित रूप से, मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार की परिस्थिति है, जिस प्रकार का माहौल है, और मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास है, मोदी जी की गारंटी चल रही है देश में, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि सारी सीटें बीजेपी जीतेगी। पूरे विश्वास के साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेन चौधरी कह रहे हैं कि सारी सीटें भाजपा की, और 51 की बात छोड़िए साहब, 60 से ज्यादा फीसदी जो वोटर्स हैं वो हमें वोट करेंगे। कैमरामैन हरिओम के साथ वीरेश पांडे, लखनऊ।